हेलो मैम, स्क्रीन विजिबल हो रही है मैम। ओके ओके हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, सो देखो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। कैपिटल रिसिप्ट एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज क्रिएट करती हैं, साथ ही साथ क्या करती हैं, गवर्नमेंट की असेट्स को कम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को ब्रिजेस बनवाने हैं, रोड्स बनवाने हैं, उनके पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को अप्रोच करती है, आरबीआई के पास जाती है और उनसे लोन लेती है। अब देखो, गवर्नमेंट ने जो बोरोविंग्स की या फिर कोई दूसरी लायबिलिटीज क्रिएट करी है, गवर्नमेंट के पास एट प्रेजेंट तो पैसा आ गया, एट प्रेजेंट गवर्नमेंट को रिसिप्ट मिल गई, बट फ्यूचर में वो रीपे करना है। दैट्स व्हाई इसकी डेफिनेशन में ये बोला गया है कि कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, एज वेल एज गवर्नमेंट की क्या करती है, असेट्स को कम करती है। असेट्स कैसे कम करती है, एग्जाम्पल देती हूँ। गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, गवर्नमेंट कंपनी के। अब वो शेयर्स क्या कर रही है, वो प्राइवेट कंपनी को सोल्ड आउट कर रही है। तो देखो, शेयर्स जब हम खरीदते हैं ना, वो हमारी असेट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज तुमने 10 शेयर्स खरीदे, तुम्हारे पास शेयर्स आ गए पेपर के फॉर्म में, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी असेट्स है, तुम्हारी पूंजी है। जब तुम उसे सेल कर दोगे तो वो तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे, मतलब तुम्हारी असेट्स क्या हो गई है, कम हो गई है। इसलिए कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन में लाइबिलिटीज क्रिएशन और असेट्स का रिडक्शन बताया गया है। क्लियर है यहाँ तक आपको टॉपिक? यस मैम। एम आई ऑडिबल नवनीत? क्लियर है टॉपिक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज द, अब आता है हमारा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हमारा क्या कहते हैं, कंज्यूमर बोलो या फिर कोई पर्सन जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स अगर आज मैं मान लो साल के 10 लाख रुपीज कमा रही हूँ, तो उस 10 लाख में से लाइक 15 या 25% जो भी स्लैब रेट है, उस हिसाब से मुझे उस 10 लाख का 15% देना पड़ेगा। मैं किसी और से नहीं ले सकती हूँ, मैं उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकती किसी दूसरे पर्सन पे, वो मुझे ही बियर करना पड़ेगा। दैट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते अदर पर्सन पे, जिसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंट दोनों ही क्या होता है, सेम पर्सन पे होता है। लाइक इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो पीपल्स क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, बेसिकली जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरों पे। फॉर एग्जांपल, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो बिल में जीएसटी इंक्लूडेड होता है, तो वहां पर क्या हो रहा है, होटल ओनर जीएसटी का बर्डन हमसे बियर कर रहा है, उसने अपना बर्डन हमारे ऊपर शिफ्ट कर दिया। दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया है, एक वन टैक्स लेके आए थे हमारी कंट्री के अंदर 2016 या 15 के आसपास, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी कि इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर एक ही टैक्स होना चाहिए। क्लियर है आपको इन दोनों में डिफरेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में? तब मैं आगे परस्यू करूँ टॉपिक। इनडायरेक्ट टैक्स अब थोड़े बहुत इनमें हटा भी दिए हैं, एक टैक्स आ गया हमारा जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो, हम आगे थोड़ा सा रिविजन ही करेंगे एक तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट के बारे में, रिविजन इसलिए ताकि हमें इसका डिफरेंस पता लग जाए। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही क्या करती है, असेट्स को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिसिप्ट, विच इज द अपोजिट ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या अपोजिट, कैसे? देखो, जब वो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करी तो ये क्या करेगी, लाइबिलिटी क्रिएट करेगी। ये असेट्स को रिड्यूस नहीं करी तो ये क्या करेगा, असेट्स को रिड्यूस करेगा। अब देखो, आप मुझे रेवेन्यू रिसिप्ट का गवर्नमेंट का कोई एग्जांपल बता सकते हैं? एनी एग्जांपल मैम? पता नहीं।
देखो रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल ये कोट हो सकता है, जब मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ाया था, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आते हैं टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट। रीजन इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया है, जब गवर्नमेंट को पर्सन से टैक्स आता है, आज हम जो भी टैक्स पे कर रहे हो किसके पास जाता है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आता है वो ऐसा थोड़ी होता है कि आज रिसिप्ट आ गई तो फ्यूचर में रीपे करना है, ऐसा तो नहीं होता ना। गवर्नमेंट के पास परमानेंट रहता है, इसलिए टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आती है, कैपिटल के अंदर नहीं आती है। कैपिटल के अंदर वो रिसिप्ट आएंगे जो गवर्नमेंट को फ्यूचर में लाइबिलिटीज के फॉर्म में वापस रीपे करना होता है, प्रेजेंट में वो उनके पास पैसा आ जाता है एज ए मान लो फॉर एग्जाम्पल बोरोविंग्स की फॉर्म में एंड अदर लाइबिलिटीज की फॉर्म में। क्लियर है आपको रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल में डिफरेंसेस, उनके एग्जाम्पल्स अच्छे से? यस मैम। ओके आगे परस्यू करूं, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बजट के ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स के अंदर, क्योंकि आगे नया टॉपिक आएगा अब आपका? नो मैम। ओके देखो हमने क्या पढ़े थे बजट के, जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक रेवेन्यू बजट। देखो रेवेन्यू बजट क्या बताता है, रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। अब हमने रिसिप्ट वाला पार्ट गवर्नमेंट का कंप्लीट कर लिया, गवर्नमेंट को अर्निंग होती है तो गवर्नमेंट पैसा भी तो खर्चती होगी ना, वो एक्सपेंसेस भी तो लगाती है। अब देखो आप लोगों को जो भी आप फैसिलिटीज क्या कहते हैं अवेल करते हो इंडिया के अंदर, जैसे बसेस की हो गई, गवर्नमेंट की जो बसेस होती हैं, रेलवेज हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये सब गवर्नमेंट ही तो बना रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरह से खर्चा कर रही है। अब देखो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस दो में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है गवर्नमेंट का जो ना तो असेट्स को क्रिएट करता है ना ही लाइबिलिटीज को कम करता है गवर्नमेंट की, मतलब जितनी असेट्स हैं उतनी ही रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं, और जितनी लाइबिलिटीज हैं उतनी ही रहेंगी, घटेगी नहीं। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया होगा तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करी, सब्सिडीज, सब्सिडीज का मतलब होता है एक तरह से कैश में एक तरह से बेनिफिट्स देना। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो भी एलपीजी गैस सिलेंडर आते हैं तो आपके पेरेंट्स को पता होगा कि उसमें हमें सब्सिडी मिलती है, एक तरह से जब हम परचेज करते हैं फिर उसका पेमेंट, थोड़ा बहुत पेमेंट गवर्नमेंट हमें देती है, सबको देती है सब्सिडीज। गवर्नमेंट पुअर को भी किसी किसी फॉर्म में सब्सिडीज देती है, तो सब्सिडीज का मतलब एक तरह से फाइनेंशियली हेल्प करना। तो देखो अगर सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है तो इससे क्या है, गवर्नमेंट की कोई असेट्स तो नहीं बढ़ रही, गवर्नमेंट की कोई बढ़ रही है और ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटीज कम हो रही है, क्योंकि रीपेमेंट तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है एज वेल एज गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई डिफेंस परचेजेस किए, डिफेंस का मतलब होता है जैसे हम डिफेंस आर्मी आप जैसे हथियार वथियार परचेज करने में जो भी खर्चा होता है, वॉर में जो भी खर्चा होता है उसके लिए हमें डिफेंस जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो परचेज करने होते हैं, उसमें जो भी एक्सपेंडिचर्स हुए वो खर्चा भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। क्लियर है आपको गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एंड इसके एग्जांपल्स सब्सिडीज का मतलब? यस मैम। ओके ओके। नेक्स्ट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल रिसिप्ट क्या था, अपोजिट था रेवेन्यू का, उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अपोजिट होगा। कैसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या करता है, असेट्स को क्रिएट करता है और लाइबिलिटीज को रिड्यूस करता है, जबकि रेवेन्यू क्या कर रहा था, ना कोई असेट्स क्रिएट हो रही थी रेवेन्यू में और ना कोई लाइबिलिटी कम हो रही थी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, गवर्नमेंट ने जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या फिर स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई, तो बिल्डिंग हमारी असेट्स होती है, जब बिल्डिंग बनेगी तो इससे क्या होगा, असेट्स क्रिएट होंगी। सेकेंड, गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक से लोन लिया होगा, गवर्नमेंट इसको वापस क्या कर रही है, रीपे कर रही है गवर्नमेंट वापस उनको, क्योंकि देखो लोन तो हमें चुकाना होता है, तो लोन रीपेमेंट से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो गई होगी ना। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपीज का लोन सेंट्रल बैंक से लिया होगा, फ्यूचर में अब लाइबिलिटी कितने की क्रिएट होगी, 5 लाख, लेकिन जैसे 5 साल आए गवर्नमेंट का टाइम कंप्लीट हो गया, अब आरबीआई ने बोला कि आप हमको रीपेमेंट दो क्योंकि आपकी इतनी ही टाइम लिमिट थी लोन की, 5 लाख रुपीज गवर्नमेंट ने आरबीआई को रीपे कर दिए, वहीं पर गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज क्या होगी, रिड्यूस हो गई। आपको क्लियर है एग्जाम्पल के साथ और इसकी डेफिनेशन? क्लियर? नो मैम। ओके अब हम पढ़ेंगे बजट डेफिसिट्स। अब तक हम पढ़ रहे थे गवर्नमेंट बजट के टाइप्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो डिफरेंट टॉपिक है सबसे, दैट इज द बजट डेफिसिट।
बजट डेफिसिट बेसिकली वो सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, गवर्नमेंट के रिसिप्ट से। इसका कहने का मतलब है जब गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हम पे जो खर्चा कर रही है वो ज्यादा कर रही है जो उसको उससे अर्निंग हो रही है। मीन्स बजट एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होता है, गवर्नमेंट रिसिप्ट से अंडर द बजट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब यही होता है, अगर लेमन लैंग्वेज में बात भी करें तो जब हमारा खर्चा ज्यादा होता है रिसिप्ट से। क्लियर है बजट डेफिसिट का आपको मतलब? यस मैम। अब देखो बजट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इज दैट, अगर हम इसको मैथमेटिकल में एक्सप्रेस करें, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों आ जाएगा, कैपिटल प्लस रेवेन्यू, टोटल रिसिप्ट्स के अंदर भी दोनों आ जाएगा, कैपिटल प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जब टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होगा किससे, टोटल रिसिप्ट से, तो वो किसके अंदर आता है, बजटरी डेफिसिट के अंदर। क्लियर है आपको ये मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन? यस मैम। अब आओ हमारे, अब देखो, अब इसके अंदर बजट डेफिसिट्स के क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगराइजेशन होते हैं, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली क्या माना जाता है, जब गवर्नमेंट का सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा किससे, रेवेन्यू रिसिप्ट से। अब इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, इसके अंदर कैपिटल वाला पार्ट नहीं आएगा। ओनली हम इसके अंदर देखते हैं व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सेस ओवर किससे, रेवेन्यू रिसिप्ट से, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। आप मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है रिसेंटली, any idea? अच्छा revenue expenditure क्या होता है यही बता दो, any idea Navneet? Yes ma'am. Revenue expenditure क्या होता है यही बता दो normal layman language में। ma'am revenue expenditure ma'am जो tax हम लोग government से, वो government जो हमसे tax लेता है वो, देखो वो तो रिसिप्ट होता है, मैं खर्चे की बात कर रही हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो एक बार वापस समझा देती हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो गवर्नमेंट के लिए कोई असेट्स नहीं क्रिएट करता, जो गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटीज को कम नहीं करता। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको भी सब्सिडीज दिया, गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज पे खर्चा कर रही है, मीन्स गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देगी तो गवर्नमेंट के लिए तो खर्चा ही है ना, तो उससे ना तो असेट्स क्रिएट हो रही है और ना उनकी लाइबिलिटीज कम हो रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कोई डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस का मतलब होता है जब आर्मी पे लोग, आर्मी जो पीपल्स होते हैं उनको डिफेंस इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि उनको लड़ाई करनी होती है एक तरह से, खुद को हमको वो हमारी क्या कहते हैं एक तरह से सेफ सुरक्षा करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जैसे आर्मी जो पीपल्स होते हैं, तो उनके लिए डिफेंस इक्विपमेंट अगर गवर्नमेंट खरीद रही है तो उस पर भी खर्चा होगा। तो उस पर खर्चा होने पर ना तो कोई असेट्स क्रिएट हो रही है और ना ही लाइबिलिटीज कम हो रही है, सो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्लियर है आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? यस मैम। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट की क्या क्या इम्प्लीकेशंस, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो हाई रेवेन्यू डेफिसिट, अगर गवर्नमेंट ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है कंट्री के अंदर ओवर उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो क्या शो करता है, फिजिकल इनडिसिप्लिन, कि हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, फिजिकल इनडिसिप्लिन को शो करता है। सेकेंड पॉइंट इज द रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है, गवर्नमेंट के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन पे वेस्ट एक्सपेंडिचर कर रही है, जिस एक्सपेंडिचर का कोई यूज नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिस सेविंग कर रही है, मीन्स दैट गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो रेवेन्यू डेफिसिट को ऐसा माना गया है, ऐसा बोला गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट में गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरे सेक्टर्स की सेविंग्स को अपने खुद के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने में यूज कर रही है। बेसिकली गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट नहीं कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट खुद का ही पेट भर रही है, ऐसा रेवेन्यू डेफिसिट की इम्प्लीकेशन हमें कहती है। नेक्स्ट इज द रेवेन्यू डेफिसिट क्या करता है, reduces the assets of the government due to disinvestment. Government की assets को कम कर रहा है disinvestment. Government क्या करती है इसके अंदर disinvestment करती है, तो उससे government की assets क्या होती है, basically reduces होती है हमारी। Next is the
A high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its revenue. देखो ज्यादा रेवेन्यू डेफिशिट होगा तो गवर्नमेंट को एक सिग्नल मिल जाता है इससे कि या तो खर्चे को कम कर दो या रिसिप्ट बढ़ा दो. रिसिप्ट कैसे बढ़ेंगी? टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू से. या तो टैक्स रेट बढ़ा करके कर दो या फीस फाइन या पेनल्टीज की रेट्स बढ़ा दो. तो ये सब क्या है? इम्प्लीकेशन है हमारी रेवेन्यू डेफिशिट की. क्लियर है आपको ये टॉपिक? एनी डाउट इन हियर? मैं लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कर दूं ना. ओके या लास्ट पॉइंट देखो, अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू आइदर कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू. इस लाइन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट करेगी तो गवर्नमेंट को एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि यार अब तो टाइम आ गया है कि या तो खर्चे को कर्टेल करो, खर्चे को या तो कम कर दो क्योंकि इससे भी रेवेन्यू डेफिसिट कम हो जाएगा, या रिसिप्ट को बढ़ा दो. मीन्स अपने रेवेन्यू को जब बढ़ाएगी ना गवर्नमेंट तो ऑटोमेटिकली जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो कम होगा. तो एक तरह से रेवेन्यू डेफिसिट अच्छी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए, मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात नहीं है. आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, ज्यादा डेफिसिट कर रहे हो तो एक वार्निंग सिग्नल भी देता है हमें, क्या? अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट. अब क्लियर हुआ आपको टॉपिक? यस मैम. ओके, नेक्स्ट इज द फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का टोटल खर्चा, देखो रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ ले रहे थे अपन रेवेन्यू वाला पार्ट, अब इसको थोड़ा सा समझो कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है. फिस्कल डेफिसिट वो होता है जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है टोटल रिसिप्ट से, लेकिन रिसिप्ट के अंदर बोरोविंग्स नहीं आएंगी. बोरोविंग्स वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारी रिसिप्ट आएंगी, सिर्फ बोरोविंग्स नहीं आएंगी. ठीक है, फिस्कल डेफिसिट अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो क्या शो करता है? फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि गवर्नमेंट को अब कितना लोन लेने की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को कितनी बोरोविंग्स करने की जरूरत है, वो फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है. और अगर इसको हम डेफिनेशन वाइज देखें तो डेफिनेशन वाइज ये बोलता है फिस्कल डेफिसिट व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड इट्स टोटल रिसिप्ट, रिसिप्ट के अंदर बोरोविंग्स नहीं आएंगी. क्लियर है? नेक्स्ट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट की क्या इम्प्लीकेशन होती है, क्या इफेक्ट होता है हमारी कंट्री पे? सबसे पहले तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है. मैं बताती हूँ क्यों बढ़ता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर. देखो फिस्कल डेफिसिट की अगर लेमन डेफिनेशन हम पढ़े तो फिस्कल डेफिसिट शो करता है द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बोरोविंग रिक्वायरमेंट की गवर्नमेंट को अब कितने लोन लेने की जरूरत है. अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट को ज्यादा लोन लेने की जरूरत है. गवर्नमेंट अगर आरबीआई से ज्यादा लोन लेगी तो मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगी. मनी सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मनी सप्लाई और प्राइजेस में सीधा रिलेशन होता है. सीधा रिलेशन मीन्स अगर मनी सप्लाई बढ़ी तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी. प्राइजेस बढ़ती है तो आप लोगों को ऑलवेज पता हो, ये तो इकोनॉमिक्स का रूल होता है, जब किसी भी कॉमोडिटीज की हमारी कंट्री के अंदर प्राइजेस लगातार बढ़ती जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन कंडीशन. तो फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, इन्फ्लेशन कंडीशन आती है हमारी कंट्री के अंदर. क्लियर है आपको यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन? यस मैम. नेक्स्ट इज द अ कंट्री हैज टू फेस डेट ट्रैप. अब देखो फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है कि कितना क्या ले, हमें कितना क्या करना है, लोन कितना लेना है गवर्नमेंट को ये बताता है. तो अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा आपका, अगर फिस्कल डेफिसिट हमारा ज्यादा होता है तो मींस क्या है, हमारी कंट्री किसमें फंस रही है, डेब्ट ट्रैप में. डेब्ट होता है उधारी का जाल, तो उसमें फंसती जा रही है जो कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है. अगर हमारी गवर्नमेंट ही ज्यादा लोन लेती जाएगी तो वो क्या हो रहा है, अभी तो एक नॉर्मल भी लैंग्वेज होती है, अगर हम ज्यादा लोन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉर्मल पीपल का. अगर मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं ना बहुत सारा लोन ले लेती हूँ, मेरे बहुत सारे शौक है उसके लिए मैंने लोन ले लिया, बहुत सारा मैंने क्या किया कमर्शियल बैंक से लोन लिया, बट फिर मैं ये सोचती हूँ आगे जाके मैं उसे चुकाऊंगी कैसे, ईएमआईस कैसे दूंगी, तो एक डेब्ट ट्रैप में फंसती जा रही हूँ. फिर या तो हो सकता है कि कोई मेरे क्या कहते हैं, जब मैं लोन नहीं दे पाई, लोन को रिपे नहीं कर पाई तो मेरी चीजें सील कर दी जाए, फॉर एग्जाम्पल कार्ड सील हो जाए मेरी, तो एक तरह से फंसना ही तो होता है ना. तो जब अगर गवर्नमेंट भी ज्यादा लोन लेगी तो कंट्री क्या होगी, हमारी डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी. क्लियर है आपको ये टॉपिक? Have you cleared it? Yes, ma'am. Next is the, it reduces future growth and development. The points are automatically linked. देखो, सारे points linked है. अगर एक country
कर्ज के क्या बोलते हैं ट्रैप में फंसती जाती है, जब यार सिंपल सी बात है कि एक डेब्ट ट्रैप में अगर एक कंट्री फंसेगी तो उसकी ग्रोथ है डेवलपमेंट बढ़ेगी तो नहीं, तो फिस्कल डेफिसिट से फ्यूचर की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वो कम होती जाती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसके अंदर ज्यादा लोन लेना पड़ता है, ये लोन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताती है, जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज द इट इंक्रीजेस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एज सिंपल इज दैट कि ये लाइबिलिटीज को इंक्रीज करती है, कैसे, फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट अगर ये ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज भी ज्यादा होगी, अगर गवर्नमेंट आज सेंट्रल बैंक से ज्यादा लोन लेगी तो फ्यूचर में लाइबिलिटीज ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस होंगी, क्लियर है यहाँ तक? yes, कोई डाउट आपको? no, ma'am. यहाँ ओके एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ पॉइंट इज इट इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस। देखो फिस्कल डेफिसिट से फॉरेन डिपेंडेंस कैसे बढ़ती है, फिस्कल डेफिसिट से फॉरेन डिपेंडेंस हमारी बेसिकली ऐसे बढ़ती है कि हमारे क्या होता है फिस्कल डेफिसिट के अंदर डेब्ट ट्रैप में कंट्री फंसती गई। अब कंट्री को तो क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, तो जब कंट्री को हेल्प चाहिए तो कंट्री किससे मांगती है, नेबरिंग कंट्री से हो गया या जिससे हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं उससे कंट्री हेल्प मांगती है, तो हमारी डिपेंडेंस फॉरेन पे बढ़ जाती है, तो फिस्कल डेफिसिट से क्या होता है फॉरेन डिपेंडेंस इंक्रीज होती है, जो कि कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन नहीं होता, डेंजर का साइन होता है अगर हम फॉरेन पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, और डिपेंडेंस फिजिकल डेफिसिट में बढ़ती है क्योंकि हम डेब्ट ट्रैप में फंसते हैं तो हमें हेल्प की जरूरत होती है, तो बाहर वाली कंट्री हमारी हेल्प करती है, इससे फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ती चली जाती है। क्लियर है आपको ये टॉपिक अप टू फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट? यस मैम। ओके थोड़ा सा पढ़ लेते क्योंकि मीटिंग ओवर ही होने वाली है, थोड़ी सी बस इसका ओवरव्यू ले लेते हैं प्राइमरी डेफिसिट का, आफ्टर दैट आई विल एंड द मीटिंग। ओके नेक्स्ट इज द प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है, प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली हमें ये बताता है कि प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्या होता है डिफरेंस होता है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का, फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का हमारा डिफरेंस होता है। फिस्कल डेफिसिट हमें बताता था कि लोन कितना लेना है प्लस इंटरेस्ट इसके अंदर होता था, प्राइमरी डेफिसिट बताएगा इंटरेस्ट वाले फैक्टर को हटा दो जो बचेगा ना वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट होगा, ठीक है, यह हमें ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को कितना, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी बोरोइंग्स है वो एक्सपेंसेस को मीट करने में कितना है अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट को, इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा। देखो इसका फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जब फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देती हूँ, गवर्नमेंट की 500,000 की लोन की रिक्वायरमेंट थी, 5,00,000 में से आप मान लो गवर्नमेंट 50,000 का इंटरेस्ट पेमेंट करेगी तो 4,50,000 आपका क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट होगा, ये प्राइमरी डेफिसिट के अंदर इंटरेस्ट वाला पार्ट हट गया है, अब सिर्फ लोन वाला पार्ट बचा है जो गवर्नमेंट जिससे अपने खर्चे पूरे करेगी, क्लियर है, वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड रहता है, प्राइमरी के अंदर इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड रहता, यही डिफरेंस होता है फिस्कल के अंदर और प्राइमरी के अंदर। क्लियर हुआ आपको डिफरेंस और इसका कॉन्सेप्ट? यस मैम। पक्का क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है अप टू प्राइमरी डेफिसिट तक? यस मैम क्लियर है। ओके सो अब हम कल कंटिन्यू करेंगे क्लास, क्योंकि मीट आपकी ओवरव्यू होने वाली है, सो आपको कोई डाउट किसी टॉपिक में गवर्नमेंट बजट के में डाउट, क्योंकि कल आपकी शायद क्लास आपका टेस्ट है ना इकोनॉमिक्स का? यस मैम कल टेस्ट है मैम। ओके सो ठीक है, फिर हम आपकी जो क्लास है आपकी जो स्केड्यूल के हिसाब से रखेंगे, ऑल द बेस्ट टू योर टेस्ट, अच्छे से देना इकोनॉमिक्स का एग्जाम, ठीक है? यस मैम। ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओके मैम बाय मैम। बाय बाय।